तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि सुबह पता है ना, बॉस ने अपनी वाइफ के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसा दिमाग खराब कर दिया था मेरा। उसके बाद उसी सर्टिफिकेट के लिए बॉस ने पूरे ऑफिस को सर पे उठा लिया। सब लोग ढूंढ रहे थे, फिर मिला। पर पता है कहाँ मिला? बॉस के घर पे, बॉस की अलमारी से। तो अच्छा है ना, बर्थ सर्टिफिकेट मिला। हाँ? तो गड़बड़ कहाँ और कैसे हुई है? कविता। कौन कविता? किसी लड़की की बात नहीं हो रही है, ये लिखने वाली कविता की बात हो रही है। कविता। पर कविता भी ऐसी वैसी कविता नहीं है अंजलि बाबी, सुतड़ी बम जैसी कविता। मतलब? वो सुतड़ी बम फूटता है तो कैसे एकदम जोरदार धमाका होता है, ठीक वैसे ही मेहता सबकी लिखी कविता बॉस ने सुनी ना, तो वो भी सुतड़ी बम की तरह फूटे। अच्छा तारक, ऐसी क्या कविता लिखी आपने कि इतना टेंशन वाला माहौल हो गया? वो अभी सुनाएंगे। सुनाए मेहता, सुनाइए। जेठल नहीं भाई। अरे नहीं सुनाइए भाई, अंजलि भाभी और बबीता जी को पता तो चले कितनी जलद कविता लिखी है आपने। हाँ मेहता साहब, ऐसी क्या कविता लिखी थी आपने, सुनाइए ना प्लीज। अरे पर हाँ सुनाइए ना, हम सब सुनना चाहते हैं। ठीक है, कविता का शीर्षक है बॉस दी शेर। बॉस आप हो जंगल के शेर, पर किस जन्म का निभाते हो हमसे बैर। बॉस कर्मचारी आपकी प्रजा, बिना गलती के भी हमें देते हो सजा। बॉस आपसे क्या कहूं मैं खास, नहीं है आपसे कोई याद। जब हम कहते हैं कुछ खास, जब हम कहते हैं कुछ खास तो आपको लगता है बकवास, और आपकी बकवास को भी हमें समझना पड़ता है खास। जालिम आपको देखकर अटक जाती है गले में सांस, कर्मचारी पर नहीं है आपको विश्वास। तुम हो जैसे कोई पिछले जन्म की खड़ूस सास। बॉस आप हैं बड़े सनकी, नहीं सुनते कर्मचारियों के मन की। समझ में नहीं आता ये बॉस ऐसे क्यों होते हैं, कभी करेले जैसे कड़वे तो कभी जलेबी की तरह टेढ़े होते। अरे ऐसे हो बॉस तो उनके कर्मचारी हमेशा रोते हैं। बॉस हमसे तो अच्छे हैं वो कोलू के बैल, इनका कभी तो होता है शांति और फुर्सत से मेल। आप तो बात बात में करते हो ईमेल, वर्क फ्रॉम होम हो ना तो भी लगती है जेल। हमें तो दूसरे दिन का काम बता के आराम से सो जाते हो, और रात को सपने में आके तांडव नृत्य दिखाते हो। बेवजह बात बात में डांटते हो, सुबह नाश्ते में क्या मिर्ची खाते हो। अरे किस जन्म का बैर निभाते हो आप, हमें पूरे विलेन नजर आते हो। अगले जन्म में मैं बनूं बॉस और आप करो जॉब, बात बात में डांटूंगा और जमाऊंगा रॉब। बॉस आपको क्या कहूं मैं खास, नहीं है आपसे कोई आस, नहीं है आपसे कोई आस, नहीं है आपसे कोई आस। अरे बाप रे तारक, आपने अपने बॉस के लिए ऐसी कविता लिखी। बोलो। अय्यर मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, मेहता साहब ने अपने बॉस के लिए ये कविता लिखी तो इसमें तुम कैसे फंस गए, तुम्हारी नौकरी क्यों खतरे में है? शाबाश शाबाश बबीता जी, मैं भी यही पूछने वाला था कि यही बात समझ में नहीं आ रही है। बताइए ना मेहता साहब हुआ यूं। मतलब आपके बॉस और अय्यर भाई के बॉस दोनों सगे दोस्त निकले, ये तो भयंकर हो, क्या बोलते हो, कोइंसिडेंस हो गया। कोइंसिडेंस कहना चाह रहा है जेठालाल। हाँ अभी समझा बबी तो, ये जेठालाल का आइडिया की वजह से मैं साहब तो बच गया, लेकिन मैं बच गया। मैं तो सबके पास शुभांकर सर को बता देगा कि मैंने उनके लिए ऐसा कविता लिखवाया है। ये सुन के तो शुभांकर सर को बहुत बड़ा शौक लगेगा। हाँ बबीता, ये सोच सोच कर मेरे को टेंशन हो रहा है। यार वंस अगेन रियली वेरी सॉरी। नहीं मैं तो आप सारी क्यों बोल रहे हैं, इसमें आपका क्या गलती है? ये तब जयटलाल का वजह से हुआ है, इसका दिमाग में ऐसा गड़बड़ वाला आइडिया आता नहीं और ये सब कुछ होता नहीं। देखिए अय्यर भाई,
आप इस झमेले में बुरी तरह फंसे हैं उसका मुझे गहरा दुख है, लेकिन आप तो मुझ पे इस तरह इल्जाम लगा रहे जैसे मुझे पहले से पता था कि आपके बॉस और मेहता साहब के बॉस दोनों सगे दोस्त है। जेठालाल तुमको क्या पता है क्या नहीं पता है ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं इसमें फंस गया उसका क्या? अय्यर भाई बुरा मत लगाना, लेकिन ये जो भी गड़बड़ी हुई है उसमें थोड़ी गलती तो आपकी भी है। मेरा गलती है? हाँ? मेरा क्या गलती है? अरे मेहता साहब के बॉस को आपको अपनी कंपनी का नाम और अपने बॉस का नाम सब सच सच बताने की क्या जरूरत थी? मतलब जेठालाल तुम बोलना क्या चाहते हो कि मैं मेहता साहब के बॉस के सामने झूठ बोला था? हाँ? अगर झूठ बोलता तो आप नहीं फंसते ना। आपने सच बोला अपने बॉस का नाम तभी ये मेहता साहब के बॉस पहचान गए ना। अरे हाँ वो और मैं तो अच्छे दोस्त है। अगर आपने अपने बॉस का कुछ भी उल्टा सुल्टा नाम बता दिया होता तो वो थोड़ी बोलता कि अरे मैं और वो अच्छे दोस्त है। जेठालाल मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। अरे क्या झूठ बोल रहे यार भाई, एक झूठ तो बोला ना। मेहता साहब के बॉस को की कविता मैंने अपने बॉस के लिए लिखवाई है। अरे वो तो मैं तुम्हारा वजह से बोला। एक मिनट यार शांत हो जाओ, इसमें ना गलती तुम्हारी है ना जेठालाल, ना मैं बॉस पे ऐसी कविता लिखता ना सब कुछ होता। देखिए जो हो गया सो हो गया, अय्यर अभी आगे सोचो कि करना क्या है। जो दुनिया में किसी के साथ नहीं होता ना वो गोकुलधाम वासियों के साथ होता है। अब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि तारक और अय्यर भाई के बॉस स्कूल के फ्रेंड्स निकलेंगे। अंजली बम्बी असली धमाका तो डिनर पर होगा जब मेहता साहब के बॉस मेरे बॉस को वो कविता के बारे में बताएंगे। अब मैं फिर उनसे नजर नहीं मिला पाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अय्यर शुभांकर सर को कितना बड़ा शौक लगेगा कि तुम उनके बारे में ये सब सोचते हो। नहीं बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, देखिए हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो होता ही है। अब जैसे मेहता साहब बच गए ठीक वैसे ही अय्यर भाई को भी बचाने का कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ओ जेठालाल प्लीज प्लीज तुम आइडिया का नाम मत लो और कोई आइडिया मत दो, मेरे को तुम्हारा कोई आइडिया नहीं चाहिए। अय्यर भाई मैं तो आपको बचाने के लिए बोल रहा था, आपको नहीं बचना है तो आपकी मर्जी। अय्यर आइडिया क्या? देखो शुभांकर सर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक दिल के इंसान है, राइट? तुम ना डायरेक्टली उनके पास जाओ, सच सच बोल दो कि मेहता साहब को बचाने के लिए उनके बॉस के सामने तुमने ये झूठ बोला था, दैट्स इट। वाह वाह बबीता जी वाह, मस्त मस्त आइडिया। अय्यर भाई करो अब भी कभी बॉस को फोन करो और सब बता दो। ओ जेठालाल यू कीप क्वाइट। हां बबीता हमारा बात एकदम करेक्ट है, शुभांकर सर बहुत अच्छा आदमी है और मैं उनको बोलेगा ना तो वो मार भी जाएगा, लेकिन उनके मन में हमेशा रहेगा कि मैंने झूठ ही सही लेकिन उनका कैरेक्टर डाउन किया है। हाँ ये बात तो सच है। अरे पर तारक के बॉस तो डिनर पर सब सच बता देंगे ना, उसका क्या? मैं डिनर पे नहीं जाएगा। नहीं 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 यार जाना तो हमें पड़ेगा। और जाना क्या पड़ेगा, उल्टा हमें 15 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले अगर वो दोनों पहुंच गए उन्होंने आपस में बात कर ली फिर। नहीं मैं दादा मैं डिनर पर नहीं आएगा, मैं बॉस को मेल कर रेजिग्नेशन दे देगा। बबीता मैं तो नौकरी छोड़ देगा। नहीं नहीं मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अरे मैं सच बोलूंगा वहां जाके, मैं बता दूंगा कि कविता मैंने अपने बॉस के लिए लिखी थी और उसके बाद झूठ बोला है कि अय्यर के बॉस के लिए लिखी थी। मैं दादा आपके बॉस शुभांकर सर को सब सच बता देंगे, नौकरी तो मेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। अय्यर तुम्हारे शुभांकर सर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरे बॉस की तरह नहीं है, इसलिए नौकरी मैं ही छोड़ूंगा। अय्यर नहीं मैं दादा मैं छोड़ेगा। मेहता साहब आप जॉब मत छोड़िए, नोइंग अय्यर वो शुभांकर सर को भी फेस नहीं कर पाएगा। नहीं बबीता जी अगर हमारे वजह से अय्यर भाई को जॉब छोड़नी पड़े तो ये बोझ हम नहीं सह पाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि, बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं नहीं मैं तो आप आपके बॉस को कुछ नहीं बताएंगे। अय्यर मैं तो सर अय्यर देखो लो देखो यहाँ हमारी नौकरी जा रही है, हमारी जान पे बनी हुई और जेठालाल झपकियां ले रहा।
हाँ तो मेहताब डेटा लाल को क्या टेंशन है, उसका थोड़ी कोई जॉब जा रहा है। अरे जॉब तो हमारा जा रहा है, वो तो आराम से सोएगा। अरे मैं सो नहीं रहा था यार भाई। अरे जेठालाल मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि तुम सो रहे थे। मेहता साहब मैं सो नहीं रहा था, मैं आंखें बंद करके सोच रहा था कि इस प्रॉब्लम में से निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। मिला मिला कोई रास्ता मिला फिर? मिला ना। क्या क्या? ओ मैं बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा हम गर्मा गर्म भुजिया खाते, थोड़ा सबली रेशन करते, उसके बाद बताऊंगा। जेठालाल इधर मेरा नौकरी जा रहा है और तुमको भजिया खाना? अरे यार भाई किसी की नौकरी नहीं जा रही है भाई, मस्त आइडिया मिल गया है, आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए। मैं आपे फोन करके गर्मा गर्म भजिया का पार्सल मंगा लेता हूँ। नहीं जेठा जी मैं घर पे बना देती। अरे बबीता जी आप क्यों तकलीफ ले रहे, अभी आ जाएगा पार्सल मस्त। इट्स ओके जेठा जी, भजिया आने में बहुत टाइम लग जाएगा, घर में जल्दी बन जाएगा। अरे बबीता जी मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, आइए। अच्छा अंजलि बबी तो एक रिक्वेस्ट है, डायट भजिया मत बनाना। जेठा भजिया तो जो भी होगा वो डाइट हो ही नहीं सकता ना, वो तो तेल में तला जाता। वो मुझे पता है मेहता साहब, लेकिन अंजलि बाबी का भरोसा नहीं ना, बोल देना अच्छा है। नहीं नहीं ठीक बात। मेहता साहब मेरे को पहले जेठालाल पर जितना गुस्सा नहीं आ रहा था ना, उससे डबल गुस्सा अभी आ रहा है। अय्यर भाई देखिए गुस्सा है ना वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप आंख बंद कीजिए, उंडा उंडा श्वास लीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए और मन और मगज को थोड़ा शांत कीजिए। क्या अगर आपका मगज शांत होगा ना तो आपको आड़ा उड़ा विचार नहीं आएगा, बराबर ना मेहता साहब? नहीं नहीं वो तो बराबर है, लेकिन ये बताओ भाई आइडिया क्या है? प्लीज जेठालाल। फिर वही बात मेहता साहब, मेरा भजिया आ जाना दो, सब्र करो थोड़ा, सब्र का फल मीठा होता है। बढ़िया 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 बढ़िया। अय्यर भाई धुनी दिखाइए। मैंने बोला ना आंख बंद करके उंडा उंडा श्वास लेके थोड़ा ध्यान में बैठिए ताकि मन और मगज थोड़ा शांत हो जाए। हाँ ठीक है। हाँ हाँ मस्त खुशबू आ रही है, वाह लाइए लाइए लाइए। चलिए शुरू कीजिए मेहता साहब। अय्यर भाई नहीं मेरे को नहीं खाना। मेरा भी मन नहीं जेठा। अरे आप दोनों नहीं खाएंगे तो मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ, और बिना भजिया खाए तो मैं आइडिया भी नहीं बता पाऊंगा। चलो ठीक है भाई खाते हैं। हाँ लीजिए लीजिए, जरा मिर्ची मिर्ची देना। वाह वाह बबीता जी मजा आ गया, अंजलि बाबी थैंक यू। बहुत जबरदस्त भजिया बना था। हाँ जेठालाल और तुम्हारे कहने से हमने भजिया भी खा लिए, अब तुम बताओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिए आज रात को 8:30 बजे मेहता साहब आप और अय्यर भाई आप दोनों अपने अपने बॉस के साथ डिनर लेने जाइए, फिर वहां जाके टेबल पे बैठ के शुरू में थोड़ी आड़ी उड़ी और टाइम पास की बातें करना और उसके बाद खाना ऑर्डर करना। फिर जैसे ही खाना आए तो खाना खा लेना, फिर बिल आएगा तो बिल जैसे ही आए ना तो फिर वो आप आपस में तय कर लेना कौन देगा या कौन कितना देगा वगैरह। फिर हाँ भाई बिल दे दिया फिर? हाँ बराबर बिल दे दिया। उसके बाद मेहता साहब आप और अय्यर भाई आप दोनों एक साथ एक रिक्शा में बैठ के वापस घर आ जाना। जेठालाल इसने मेरा नौकरी बचाने का आइडिया किधर है? हाँ जेठा जी पर इसमें आइडिया क्या है? सॉरी बबीता जी वो आइडिया
मैं नहीं बता सकता। नहीं जेठाल, ये बात बिल्कुल गलत है। तुमने ये कहा था तुम भजिए खाने के बाद आइडिया बताओ, और अब तुम बताने से इनकार कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई आइडिया है ही नहीं। नहीं नहीं, आइडिया है मेहता साहब, भरोसा कीजिए मुझ पे। आप दोनों एकदम इन तीन मंदनान से डिनर पे जाइए। इत्मीनान? हाँ, मतलब शांति से डिनर पे जाइए। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का वादा है आप लोगों से कि आप दोनों में से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। पर आप दोनों क्या, उस समय होटल में जो भी होगा ना, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। क्या बोलते हो अय्यर? नहीं, मेरे को जेठालाल पे भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे पास चारा क्या है? और जेठालाल जिस कॉन्फिडेंस से कह रहा है, मुझे लगता है कि उसने कोई ना कोई आइडिया तो सोचा ही होगा, जो अभी नहीं बता रहा लेकिन शायद बाद में बता देगा। तो मुझे लगता है हमें 8:30 बजे डिनर पे जाना चाहिए। ये हुई ना बात। हे भगवान, मैं ताशा बोर अय्यर भाई की नौकरी बचाने के लिए मैंने जो आइडिया सोचा है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसे सफल कर देना भगवान, प्लीज। हे भगवान, जेठा भाई के कॉन्फिडेंस को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई ऐसा जबरदस्त आइडिया है जिससे तारक और अय्यर भाई इस महा मुसीबत से बच जाएंगे। भगवान, बस आपसे यही प्रार्थना है कि किसी भी तरह तारक और अय्यर भाई के बॉस की नाराजगी दूर हो जाए। मैं तो कहती हूँ कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिसे तारक के बॉस अय्यर भाई के बॉस के आगे कुछ कहे ही नहीं, तो कोई मुसीबत होगी ही नहीं। लेकिन मैं तारक के बॉस को अच्छी तरह से जानती हूँ, जरूर वो अय्यर भाई के बॉस के आगे कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। हे भगवान, देखिए ना, ये सारे टेंशन में मुझे ही कंफ्यूजन हो गया है। बस अब यही प्रार्थना है कि आप अय्यर भाई और तारक की नौकरी सलामत रखिए, प्लीज। जय माँ काली, श्री वेंकटेश्वर स्वामी। अय्यर और मेहता साहब पर आज कोई विघ्न मत आने देना। अय्यर को शुभांकर सर की नजरों से गिरने मत देना, और मेहता साहब का सच भी उनके बॉस के सामने मत आने देना, और दोनों की जॉब भी सलामत रखना। जेठा जी ने जो भी आइडिया सोचा है उसे सक्सेसफुल करना। अय्यर और मेहता साहब टेंशन में डिनर के लिए निकले हैं, बस डिनर से रिटर्न आए तब दोनों खुश होने चाहिए। मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन तो मुझे भी हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे हम डिनर के लिए नहीं जा रहे हैं, हम खरगोश हैं और शेर का डिनर बनने जा रहे हैं। यस यस मेहता साहब, आज आपका या मेरा, दोनों में से किसी एक का शिकार होना पक्का है। हौसला रखो यार, चिंता मत करो। जेठालाल ने कहा ना कि उसके पास एक आइडिया है, वो हमारी नौकरी नहीं जाने देगा। मेहता साहब, सच कहूं, अभी घर पर मेरे को जेठालाल की बात का 50% भरोसा था और 50% भरोसा नहीं था, लेकिन अब मेरे को 100% जेठालाल की बात का भरोसा नहीं है। मुझे भी हा? नहीं नहीं, मुझे भी मतलब भाग्य पे भरोसा नहीं है 100%। जेठालाल मेरा परम मित्र है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अरे क्या करेगा जेठालाल, मैं दादा हम दोनों तो बहुत को मिलने जा रहे हैं ना, लेकिन अभी तक ना जेठालाल का पता है ना ही उसके आइडिया का पता है। हो सकता है उसने कोई ऐसा आइडिया सोचा हो यार जिससे वो बॉस को डिनर तक पहुंचने न दे। हो सकता है नहीं भी सोचा हो, पता नहीं डिनर में क्या होगा। वो भी होगा, देख लेंगे डिनर में। कहता था आप डिनर में मामला संभाल लेना। हा? और तुम मुझे संभाल लेना भाई। साहब, मेरा मामा जो है ना, लोगों के दुख दर्द तकलीफ टेंशन, नौकरी की समस्या, संतान की समस्या, शादी की समस्या, पैसों की समस्या, भूत प्रेत शराब सभी का निवारण करता है। हा? मात्र 500 रुपए में उनका एड भी आता है अखबार में। अरे? मेरी रिक्शा के पीछे उनका पोस्टर लगा हुआ है, आप कहो तो आपको उनके पास लेके चलूं। थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमें जरूरत होगी तब हम आपसे नंबर ले लेंगे, ठीक है? ठीक है साहब। अभी आप रिक्शा चलाओ, हमें रेस्टोरेंट तक पहुंचाओ, हमारे बॉस वहां पहले पहुंच गए तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या लगता है मैं आपको एक कपड़ा निचोड़ के क्यों दिखा रहा हूँ? मैं ये दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपने दिमाग को इस कपड़े की तरह निचोड़ लिया है, लेकिन हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जेठालाल ये कह रहा है कि उसके पास आइडिया है, वो हमें कह रहा है कि आप जाओ अपने बॉस से मिले 8:30 बजे जाओ। लेकिन भाई जेठालाल ने जिस तरह से पहली बार फंसाया, कहीं दूसरी बार उसी तरह से ना फंस जाए हम लोग। लेकिन कहावत है ना,
मरता क्या न करता और डूबते को तिनका का सहारा, तो मेरे पास जेठालाल पे भरोसा करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी नौकरी बच जाए, हमारी नौकरी न जाए, क्योंकि इस वक्त हमारा हाल ऐसा है जैसे कोई विद्यार्थी बोर्ड का एग्जाम देने जाए। कितना टेंशन होता है, उससे कहीं ज्यादा टेंशन हमें क्यों ना होगा भाई। नौकरी जाने का खतरा जो है, बॉस से जो हमारी मीटिंग होने वाली, एक तरफ अय्यर का बॉस, मेरे बॉस और हम दोनों, कितने हंगामे होंगे सोचिए, और जितने हंगामे होंगे उतनी हंसी होगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।